हमारे यहां ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृषि, पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रंथों तक और दक्षिण में तमिलनाडु के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है, गोहितः क्षेत्रगामी च कालजो बीज तत्पर, कालज्ञो बीज तत्पर, वितंद्रः सर्वशास्त्राढ्य कृषको न अवसीदति। अर्थात जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सूत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है। इसमें जितनी भी संसाधनों का जिक्र है सारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं, कब कौन सी फसल में पानी लगाएं, कैसे पानी बचाएं, इसके कितने ही सूत्र दिए गए हैं। एक और बड़ा प्रचलित श्लोक है, नैरुत्यार्त ही धान्यानाम जलम भाद्रे विमोचयते, मूलम मात्र तो संस्थाप्य कार्य जत मोक्षणम। यानी फसल को बीमारी से बचाकर पुष्ट करने के लिए भादो के महीने में पानी को निकाल देना चाहिए, केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए। इसी तरह कवि घाग ने भी लिखा है, गेहूं बाहें चना दलाएं, धान गाहें मक्का निराएं, उख कसाए, यानी खूब वाह करने से गेहूं, खोंटने से चना, बार बार पानी मिलने से धान, निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर जी ने भी खेती से जुड़े कितने ही सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था, तोड़ी पुडुड़ी कछचा उनकिन, पीड़ी थेरुवम बेंडादू सालप पड़ुम। अर्थात इफ द लैंड इज ड्राइड सो एज टू रिड्यूस 1 ounce ऑफ अर्थ टू क्वार्टर, इट विल ग्रो प्लेंटीफुली इवन विदाउट ए हैंडफुल ऑफ मैन्योर।